बात करें टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्रियों की, तो उसमें अभिनेत्री कृतिका सेंगर लंबे समय से ही शुमार होती जा रही हैं। और इनकी तरह गुम है किसी के प्यार में नजर आने वाली अभिनेत्री आयशा सिंह ने भी दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। दोनों ही अभिनेत्रियां हमेशा ही अपने चेहरे की मासूमियत से दर्शकों का दिल जीत जाती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को ना तो आज दौलत और ना ही शोहरत की कमी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यूं तो ये दोनों ही काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा अमीर हैं, पर अगर बात करें कि इन दोनों में से कौन पॉपुलैरिटी और अमीरी के मामले से आगे निकल गया है, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए, ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले इन दोनों के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरुआत करें गुम है किसी के प्यार में सई का भूमिका निभाने वाली आयशा सिंह की, तो बता दें आयशा सिंह से इन्होंने काफी कमाई की, तो वहीं इस सीरियल से भी इन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी पाई कि ये वर्तमान में एक एपिसोड के 70,000 चार्ज करती हैं, जिसकी बदौलत इन्होंने भी बेहद कम समय में 5 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली है। इसकी बदौलत इनका भी मुंबई में एक बेहद आलीशान घर है, जो कि दिखने काफी ज्यादा खूबसूरत तो है ही, साथ ही इस घर में हर एक सुख सुविधा भी देखने को मिलती है। इसकी वजह से इनका ये घर करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत रखता है। घर के साथ ही आयशा सिंह अपनी ड्रेसेस से लेकर शूज पर हजारों रुपए पानी की तरह बहाकर देती हैं, जिसकी वजह से इनके वार्डरोब में आपको 15 से 20 हजार की ऑफ व्हाइट और जारा की ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगी। वहीं ड्रेस के लुक से मैचिंग हील्स और शूज पर भी ये 10 से 12 हजार रुपए लगा देती हैं। इसके अलावा इनका मेकअप बैग और परफ्यूम कलेक्शन भी काफी ज्यादा शानदार है, इस पर ये 20 से 25 हजार रुपए खर्च कर देती हैं। इसके साथ ही इनके पास हुंडई क्रेटा और मर्सिडीज जैसी कार्स हैं। बात करें इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, तो बता दें आयशा सिंह ने भी बेहद कम समय में काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, जिसकी वजह से इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब बात करें कृतिका सेंगर की, तो कृतिका 15 साल से इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जिसके चलते ये आज एक एपिसोड के 1 लाख रुपए चार्ज करती हैं, और इसी तरह से इन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत पूरे 22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी की है, जिनमें इनका मुंबई में अंधेरी में बना आलीशान फ्लैट शामिल है, जो तकरीबन 5 करोड़ का है, जिसमें गार्डन से लेकर बालकनी लगभग हर एक चीज देखने को मिलती है, जो इस घर को काफी आलीशान बनाती है। तो उसी हिसाब से ये काफी लग्जरी लाइफस्टाइल भी जीती है। शुरू करें इनके ड्रेसेस से, तो ये अपनी रियल लाइफ में मॉडर्न से लेकर एथनिक ड्रेसेस कैरी करती हैं, जिसकी कीमत करीब 50 से 70 हजार रुपए होती है। इन ड्रेसेस के साथ साथ इनके पास मैचिंग शूज का भी काफी अच्छा कलेक्शन है, जिनमें 30 हजार वाले गुची स्नीकर्स और 45 हजार वाली कोच वाले ब्रांड के हील्स शामिल हैं। कपड़ों और शूज के साथ साथ इनके पास ब्रांडेड हैंडबैग्स, मेकअप और बैग का भी काफी कलेक्शन है। अब बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास ऑडी और BMW जैसी ब्रांडेड की कार हैं। बात करें इनकी पॉपुलैरिटी की, तो बता दें कृतिका सेंगर के इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब बात करें कि इन दोनों अभिनेत्रियों में से कौन ज्यादा अमीर और फेमस है, तो वो अभिनेत्री कृतिका सेंगर ही हैं, जिनकी नेटवर्थ जहां आयशा सिंह से कई गुना ज्यादा है, तो वहीं इनकी पॉपुलैरिटी भी आयशा सिंह को पीछे छोड़ देती है। तो दोस्तों, आप इनमें से किसके सबसे ज्यादा दीवाने हैं, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।